चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिक्स के बाद में अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस का मेन टॉपिक शुरू करें। और उस टॉपिक में आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करना है एनालिटिक फंक्शन। लेकिन एनालिटिक फंक्शन को आप समझे इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। चलिए आइए जरा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें थोड़ा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग z इज इक्वल्स टू x प्लस iy यूज करते थे स्टूडेंट्स, जहां पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता था। अगर हम इस z इज इक्वल्स टू xy को एक वेरिएबल मानकर एक फंक्शन बनाए fz, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि उसमें एक फंक्शन आएगा u, जिसमें कि x होगा, y होगा, कहीं ना कहीं पर i भी आएगा, और एक और फंक्शन आएगा v, जिसमें x होगा और y होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इट मींस दैट कि अगर हम z को यानी कि x प्लस iy को वेरिएबल बनाकर एक फंक्शन बनाए, तो उस फंक्शन में भी दो फंक्शंस होंगे u और v, जहां पर v जो होगा वो i के साथ होगा। या आप यह भी कह सकते हैं कि i के साथ में जो फंक्शन होगा हमने उसे v माना है। इस u को हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ f सेट, और इस v को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ सेट। राइट स्टूडेंट्स, तो इस केस में जब हम लोग ऐसा फंक्शन बना देते हैं तो इस एफ सेट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन नाम से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इजी। ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में u होता है, v होता है, जहां पर u अपने आप में एक x y का फंक्शन होता है, v अपने आप में एक x y का फंक्शन होता है। अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपके पास fz is equals to z square है, right? अब आप जानते हैं कि z का मतलब होता है x plus iy का ix plus iy, तो z square बराबर हो जाएगा x plus iy का square, तो fz की वैल्यू आ जाएगी x square plus iy का whole square plus 2xiy। This is equals to x square minus y square, I square की वैल्यू क्योंकि minus 1 होती है, plus 2xyi। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, i के साथ में क्या है 2xy, और x square minus y independent है i से, तो यहां पर ये जो 2xy है ये काम करेगा vxy का, vxy का यानी कि imaginary part of fz का, और ये जो x square minus y square है ये काम करेगा uxy का students, right? तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको लिखवाऊंगा नहीं, केवल ओरली बताऊंगा, यहीं से समझिएगा। जब एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक, जब एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, वो खास प्रॉपर्टीज क्या हैं स्टूडेंट्स, जब एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसे एनालिटिक फंक्शन कहा जाता है। नंबर एक प्रॉपर्टी, नंबर एक, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, राइट। नंबर टू, नंबर टू क्या, नंबर टू,
नंबर टू इज दैट कि यस नंबर टू इज दैट कि कंटिन्यूअस एंड यूनिक डेरिवेटिव्स ओके कंटिन्यूअस एंड यूनिक डेरिवेटिव एट at at each point point of domain agar koi complex variable function fz z ki har ek value jo ki uske domain mein se aa rahi hai us har ek value ke liye single valued ho number 2 continuous ho एंड उसके हर एक डेरिवेटिव यानी कि आप इसे अगर डिफरेंशिएट करें और फिर उस डेरिवेटिव में z की वैल्यू रखें तो उस डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो यूनिक आनी चाहिए तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं आई रिपीट कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो कि सिंगल वैल्यूड हो उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पर यूनिक डेरिवेटिव रखता हो वो पॉइंट वो फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहलाता है इट मींस दैट कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में जब कुछ खास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो वही आगे चलकर एनालिटिक फंक्शन बन जाता है स्टूडेंट्स यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है अक्सर कि चेक द फंक्शन fz इज एनालिटिक और नॉट राइट स्टूडेंट्स तो हम लोग इन दो डेफिनेशंस का प्रयोग करके टेस्ट नहीं करते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है उसके लिए हमारे पास एक रास्ता होता है उस रास्ते का नाम है सीआर इक्वेशंस यानी कि कॉची रिमान इक्वेशंस अब आइए जरा देखें कि ये कॉची रिमान इक्वेशंस क्या होती हैं सीआर इक्वेशंस वास्तव में अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन u प्लस iv दिया हुआ हो तो इस u एंड v को अगर हम x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें और ये दो इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन fz cr इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और इस केस में जब कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन सीआर इक्वेशंस यानी कि कॉची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है राइट स्टूडेंट्स इट मींस दैट कि हम ये इस टूल का इस्तेमाल करेंगे किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करने या ना करने में राइट स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोगों को फाइनल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें हमें ये दिखाना होता है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है स्टूडेंट्स ध्यान रहे लेकिन इसके अलावा भी कभी-कभी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले बुक में जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉची रीमान इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे लेकिन एनालिटिक नहीं होंगे अब एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि कॉची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन एनालिटिक नहीं है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे लेकिन जो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कुछ और कंडीशंस होती हैं व्हाट सिंगल वैल्यूड यूनिक डेरिवेटिव यानी कि उस पॉइंट पर यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए हो सकता है कि इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो सो दैट्स व्हाई जरूरी नहीं है कि हर वो फंक्शन जो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो एनालिटिक होगा लेकिन अधिकतर फंक्शन जो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे वो एनालिटिक फंक्शन होंगे स्टूडेंट्स तो चलिए आइए एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग चेक करते हैं कि कैसे हम लोग दिखाते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है अथवा नहीं है मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है fz is equals to 1 upon z जिसमें हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं whether it is analytic और नॉट तो आइए स्टूडेंट्स कैसे चेक करेंगे सबसे पहले तो हम फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं u + iv में
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग z की जगह पर x प्लस आई वाई रखेंगे और इसका हम कुछ इस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे कि ये x प्लस आई वाई सॉरी u प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। इसके लिए हम लोग x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर x माइनस आई वाई and this is equals to x minus i y upon x square plus y square and this is equals to x upon x square plus y square minus i y upon x square plus y square and यहाँ पर अब ये काम करेगा students u का और यहाँ पर ये काम करेगा v का with negative sign students, okay? आप चाहे तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं तो आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में। और is equals to u plus iv say then what students then u is equals to x upon x square plus y square v is equals to minus y upon x square plus y square students। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने फंक्शन fz को u प्लस iv में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रहे जब भी किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना होगा तो आपको इस तरह से u प्लस iv में उसे कन्वर्ट करना जरूरी होगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एनालिटिसिटी को चेक नहीं कर रहे हैं तो अगर किसी पॉइंट पर एनालिटिसिटी को चेक कर रहे हैं तो वहां पर फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, राइट। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा इस तरह के क्वेश्चंस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इस बात पे फोकस करना है कि जनरल वे में किसी फंक्शन को एनालिटिक कैसे प्रूव किया जाता है। तो चलिए आइए अब हमारा अगला काम है u को x और v को भी x y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना। चलिए आइए शुरू करें। ध्यान दीजिएगा अगर हम डेल u बाय डेल x करें तो डेल u बाय डेल x मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन means x square plus y square का whole square x square plus y square denominator differentiation of numerator means 1 minus denominator numerator x and differentiation of denominator means 2x क्योंकि हम लोग x के respect में कर रहे हैं। This is 2x square minus 2x square plus x square so this is equals to y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। नाउ डेल यू बाय डेल वाई तो डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? डेल यू बाय डेल वाई होगा दिस इज अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। बट आई थिंक यहाँ पर हम लोगों को डिवाइड रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें केवल वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है तो x तो वैसे भी कांस्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स। सो दिस इज x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू में दिस इज 2y फंक्शन ऑफ फंक्शंस स्टूडेंट्स। ये आप लोगों को सबको पता होगा और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब हम लोग डेल v बाय डेल x निकालेंगे तो v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो माइनस y है कांस्टेंट रहेगा बाहर लिख दीजिए 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा ये माइनस का 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इट इज 2x आल्सो so this is equals to plus 2xy upon x square plus y square का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग डेल v बाय डेल y करेंगे तो हमें यहाँ पर डिवाइड रूल यूज करना पड़ेगा x square plus y square का होल स्क्वायर x square plus y square okay and differentiation of numerator तो माइनस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज माइनस वन माइनस माइनस वाई एंड दिस इज टू वाई, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया
तो डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस टू वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर जाएगा तो आपके पास में रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के कारण ये भी माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस यस स्टूडेंट्स, अब जरा इनको ध्यान से देखिए, सिंस del u by del x is equals to del u by del x y square minus x square upon x square plus y square the whole square is equals to this means del v by del y and del u by del y, del u by del y, del u by del y is equals to minus 2xy and del u by del x is equals to plus, dono ka negative sign hai means opposite sign hai means del u by del y is equals to minus del v by del x, okay? Hence, fz satisfy CR equation, so fz is analytic. Right, students? So, this is the way, ये वो रास्ता है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। आई रिपीट द स्टेप्स, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया जाए उसे u प्लस iv में कन्वर्ट करिए, u को निकालिए, v को निकालिए, u को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, v को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड y और चेक करिए कि क्या कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? राइट, हम लोग यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं ले पाएंगे, आप बाकी एग्जांपल्स अपने बुक में देखेंगे तो आप लोगों को और समझ में आएंगी चीजें। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है हार्मोनिक फंक्शन। चलिए आइए चेक करें कि क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन स्टूडेंट्स देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। एनी फंक्शन एक्स एफ एक्स वाई इज सेट टू बी हार्मोनिक इफ एफ सेटिस्फाई Laplace equation. That is del 2f by del x square plus del 2f by del y square is equals to 0. अगर किसी function को हम x के respect में partially differentiate करें 2 times, y के respect में partially differentiate करें 2 times और दोनों का एडिशन अगर जीरो के इक्वल आता है तो उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अभी कुछ देर बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें फंक्शन को हार्मोनिक प्रूफ करना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है ना, और कभी कभी कंडीशन ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। तो आई रिपीट स्टूडेंट्स, हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए किसी फंक्शन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। Now, students, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फिर से। That is the most important topic जहाँ से अक्सर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, right? Construction of analytic function, यानी कि analytic function को construct करना, right, students? चलिए आइए देखें जरा। Students, construction of analytic function. Analytic function construct करने का मतलब ये है students कि
अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन fz इज इक्वल्स टू u प्लस iv, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है, अगर मान लीजिए आपको u दे दिया जाए और आपसे कहा जाए v निकालिए, तो दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ fz, क्योंकि u दिया है v निकालना है, क्योंकि जब तक u और v नहीं आएंगे तब तक fz नहीं बन सकता है, यानी कि एनालिटिक फंक्शन नहीं बन सकता है, तो u दे दिया जाए तो v निकालना, v दे दिया जाए तो u निकालना, राइट। मतलब हम लोगों को कुल मिला के कौन कौन से केसेस पढ़ने हैं, नंबर एक व्हेन u इज, व्हेन u इज गिवन, नंबर टू व्हेन v इज गिवन, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखिए, जब हमें u गिवन होगा तो v निकालना है, v गिवन होगा तो u निकालना है, ऐसी स्थिति में जो हमें fz मिलता है वो x और y के टर्म्स में मिलता है, राइट। लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड होता है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड मिल्लेज मेथड, जिसकी मदद से हम लोग एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसमें भी दो कंडीशंस होती है, when u is given, when u is given, and number two, when v is given. लेकिन इस मिल्ले मेथड की खासियत होती है कि इससे जो fz कंस्ट्रक्ट होता है वो z, यानी कि इन टर्म्स ऑफ z होता है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों मेथड से तो जो fz बनेगा वो x और y के टर्म्स में बनेगा, लेकिन मिल्ले मेथड से जो फंक्शन fz बनेगा वो डायरेक्ट z के टर्म्स में बनेगा, यानी कि उसमें आपको x और y को मिला के fz नहीं बनाना पड़ेगा, वो अपने आप ही z के टर्म्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल fz इज इक्वल टू, मान लीजिए z स्क्वायर आ गया, fz इज इक्वल टू z क्यूब आ गया, fz इज इक्वल टू sin z cos z, लाइक दैट कुछ भी आ गया, राइट स्टूडेंट्स। ये इस मेथड की खासियत है और हम लोगों को इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो बिकॉज फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इफ u इज दिस देन फाइंड द फंक्शन fz, तो वहां पर आपके पास चॉइस होगी, आप चाहें तो इसका, इस मेथड का इस्तेमाल करके fz बना सकते हैं, या आप चाहें तो इस मेथड का इस्तेमाल करके बनाइए। इस मेथड से बनाएंगे तो जल्दी रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, ओके। और ये मेथड इजी भी है, आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी, है ना। जबकि ये जो मेथड है इसमें जो एनालिटिक फंक्शन बनेगा वो x और y के टर्म्स में बनेगा, और ऐसा हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि fz को z के टर्म्स में बनाइए, तो उस केस में इन दोनों मेथड से जो रिजल्ट बनता है उसे वापस z में कन्वर्ट करना थोड़ा कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स यहां पर इस आर्टिकल में इन दो मेथड्स को पढ़ेंगे, केवल कि जब u गिवन हो तो fz कैसे बनाया जाता है, और जब v गिवन हो तो fz कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि जब u गिवन होता है तो fz कैसे बनाया जाता है, उसका हम छोटा सा वर्किंग रूल समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आसानी होगी समझने। चलिए आइए, कैसे बनाएंगे उसका वर्किंग रूल लिखिएगा स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर वन राइट u एंड फाइंड u एंड फाइंड
del u by del x, del u by del y, del u by del x and del u by del y, students. Step number 2. Put x is equals to z and y is equals to 0 into del u by del x and del v by del u by del y. सबसे पहले स्टूडेंट्स u को लिखिए, del u by del x निकालिए, ये आसानी से निकल आएगा, del u by del y निकालिए, जो भी रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स में x is equals to z and y is equals to 0 रख दीजिए. तो इसका मतलब del u by del x की वैल्यू और del u by del y की वैल्यू पूरी की पूरी z में आ जाएगी स्टूडेंट्स. नाउ एंड लास्ट स्टेप 3. Evaluate. Yes, students. तो हम लोग यहाँ पर थे कि अगर हम लोगों को फंक्शन fz दिया, फंक्शन fz में u दिया हुआ हो तो u की मदद से fz कैसे बनाया जाता है. उस प्रोसेस में हम लोगों ने सबसे पहले del u by del x निकाला, del u by del y निकाला. जो भी इन दोनों की वैल्यू आएगी उसमें x equals to z सब्सटीट्यूट करेंगे, y equals to 0 सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास में del u by del x और del u by del y की कुछ वैल्यू हो जाएगी. अब उसे इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे. fz is equals to integral del u by del x and integration, yes, it is del, so this is del v by del x. Yes, friends, so we can put del v by del x is to del u by del y plus I. Yes, this is with respect to तो del z fz is equals to integration del u by del x at z 0 dz minus integration del u by del y z comma 0 dz plus c and this is I, students. तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में डायरेक्ट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे. del u by del x at z 0, z x is equals to z and y is equals to 0, dz minus I. del u by del y at z is equals z and 0 point dz plus c, students. C is the arbitrary constant, integration constant, students. So students, यहाँ पर इन दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जो कि हमें यहाँ मिल चुकी हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें fz की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स. और इसी प्रोसेस से जब हम लोगों को v गिवन होता है स्टूडेंट्स, तो उस केस में v मींस इमेजिनरी पार्ट जब गिवन होता है, इमेजिनरी पार्ट जब गिवन होता है तो उसमें भी स्टूडेंट्स हम लोग यही करते हैं, हम लोग डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, हम लोग डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं और हम फिर इसी में ही एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू जेड, वाई इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इन दोनों वैल्यूज पर डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं. और जब
इंट्रीगेशन इंट्रीगेशन डेल यस दिस इज इक्वल्स टू यस इट इज स्टूडेंट्स तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं डेल बी बाय डेल वाई एट जेड जीरो टी जेड प्लस आई इंटीग्रेशन डेल यू सॉरी डेल वी बाय डेल एक्स एट जेड जीरो टी जेड प्लस सिक्स स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स This is del v by del y at x is equals to z, y is equals to 0, dz plus I del v by del x at x is equals to z and y is equals to 0. इन दोनों ही मेथड्स की मदद से आप जब u गिवन हो तो fz निकाल सकते हैं, जब v गिवन हो तो fz निकाल सकते हैं। हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और एनालिटिक फंक्शन fz को कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए आइए उस क्वेश्चन को देखें। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमें u गिवन है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। सपोज वी हैव u x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, u रियल पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन fz, और इसकी मदद से हमें fz कंस्ट्रक्ट करना है। इफ u इज दिस फाइंड fz स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले del u by del x निकालिए। तो del u by del x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 0, because y का differentiation 0. del u by del y is equals to yes this is 0 and this is 6 minus 6xy plus 0 and this is minus 6y students. Okay, by Millet's method fz is equals to integration del u by del x at z 0 dz minus I integration del u by del y at z 0 dz friends plus c. Yes, plus c, and this is equals to students del u by del x mein x ki jagah par z and y ki jagah par 0. So this is integration 3z square plus 6z dz minus I y ki jagah 0, x ki jagah z. So ye 0, ye bhi 0, completely 0 dz plus c. So this is integration kariye with respect to z. This is 3z cube upon 3 plus 6z square upon 2, okay, and minus 0 plus c. So this is z cube plus 3z square plus c. This is the required analytic function of students. Here an answer. So process aap logo ko samajh mein aaye students? The process is very easy. हमें u गिवन था, हमने उसे x के और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करा। जब u गिवन होता है तो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए फार्मूला होता है बाय मिलेस मेथड। इस मेथड में हमने ये दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, x की
जगह z, y की जगह 0 रखा, ये आया हमारे पास z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, we will get the result fz is equals to z cube plus 3z square plus c students. तो ये एक एग्जांपल था मिल्ले मेथड से कैसे एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स. इसी तरह से अगर हमें किसी भी फंक्शन किसी एनालिटिक फंक्शन में v यानी कि इमेजिनरी पार्ट दिया जाए तो हम उस इमेजिनरी पार्ट की मदद से इसी प्रोसेस को अपना के जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उस फॉर्मूले की मदद से एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूलों की मदद से ज्यादा क्वेश्चंस करिए आप. ठीक है, हमने शॉर्ट में आपको एक बड़ा सा टॉपिक कवर करवाया है, पहले एनालिटिक फंक्शन बताया, हार्मोनिक फंक्शन बताया स्टूडेंट्स, और फिर एनालिटिक फंक्शन को मिल्लेज मेथड से कंस्ट्रक्ट करना बताया. यहां से फाइनल एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा स्टूडेंट्स. ओके, पर हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्या. हम थोड़ा शॉर्ट टाइम में ये वीडियोस बना रहे हैं इसलिए स्टूडेंट्स हो सकता है कि हम एग्जाम्पल्स कम रखें, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करिए, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं. Thank you very much and good night.